जॉब जॉब्स एंड करियर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे रशिया माइग्रेशन और रशिया इमिग्रेशन, क्या बेनिफिट रहेगा रशिया का अगर आप सिटीजनशिप लेते हो, माइग्रेट करके रशिया का सिटीजनशिप लेते हो तो क्या फ़ायदा होगा, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ज़्यादा करके भारत, इंडिया और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो एरियाज़ के जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, माइग्रेट करने को पसंद करते हैं, क्योंकि जो कंट्रीज है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस, एशियंस ट्रैवल करते हैं वहाँ पर बसने के लिए, सेटल होने के लिए, और वहाँ पर इंग्लिश बोला जाता है। तो इंग्लिश आपको जो इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्री के जो लोग हैं तो इनको थोड़े बहुत इंग्लिश आते रहता है, तो वहाँ जाकर वो मैनेज कर लेते हैं और सीखते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया और इंडिया का नेबरिंग लोग जो है वो कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पांच कंट्री को माइग्रेट करना चाहते हैं। उसके बाद जर्मनी एंड अदर कंट्री जाता है, क्योंकि जर्मनी जाने के लिए आपको लैंग्वेज ज़रूरी है, लैंग्वेज सीखना पड़ता है। लेकिन एक नया कंट्री बता दिया, रशिया। रशिया ने अभी बहुत सारे वीज़ा का सिस्टम स्टार्ट किया, वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट किया, वीज़ा गोल्डन वीज़ा स्टार्ट किया, गोल्डन वीज़ा के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, और अलग अलग वीज़ा स्टार्ट किया, और इंडियंस को ज़्यादा करके इंडियंस को रशिया इजीली वीज़ा देता है और इनक्रेज करता है, इनवाइट करता है इंडियंस को, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आए रशिया में बिजनेस करे और सेटल हो जाए और पढ़ाई करने के लिए आए। स्टूडेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया जाके पढ़ते हैं। तो रशिया एक नया मार्केट है, माइग्रेशन का एक नया मार्केट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस रशिया अभी ट्रैवल करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अभी रशिया में 40,000 इंडियन ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं और सेटल हो चुके हैं, 40,000 इंडियंस। तो अप्रोक्सीमेटली पर ईयर जो 5,000 से लेकर 6,000 इंडियंस को मिलता है सिटीजनशिप इन रशिया, 5,000 से, ये थोड़ा बढ़ने लगा है कोविड के बाद, क्योंकि अमेरिका, कनाडा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शन होता है और ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। जैसे कि कनाडा माइग्रेशन के लिए लंबा प्रोसीजर है, टाइम लगता है, आपका प्रॉपर्टी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह 15 लाख का, एक पर पर्सन 15 लाख का दिखाना पड़ता है। फिर कनाडा जाने के बाद आपका हाथ में, मतलब साथ में आपको हार्ड कैश 15-20 लाख कैरी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी अगर खरीद नहीं पाओगे, रेंट में रहना है, जब तक नौकरी नहीं मिलता है तो वहाँ पर रेंट में रहना है, रेंट तो काफ़ी हाई है। मिनिमम वहाँ पर अगर फैमिली कनाडा जाता है तो कम से कम $1,000 से लेकर $1,500 कैनेडियन डॉलर लगता है, खाना पीना रहना, तो मतलब एक साल का एक फैमिली 5-6 जनों का अगर फैमिली रहता है तो एक साल में 12-13 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, क्योंकि कनाडा में जब तक नौकरी नहीं मिलता है तो आपको वहाँ सस्टेन करना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, क्योंकि गाड़ी के बिना तो काम नहीं चलेगा, गाड़ी लेना है, घर लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, बनाना है, जॉब करना है, और आपको जो एक साल का खाना पीना रहना, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, तो आप पकड़िए 10-15 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, तो थोड़ा महंगा हो जाता है। अमेरिका तो काफ़ी महंगा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी वैसा ही है, काफ़ी महंगा, एक्सपेंसिव है। उसके बाद अमेरिका और कनाडा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट देना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पास करना पड़ता है, अच्छा 8-10 बैंड में आपको अच्छा मार्क में, अच्छा बैंड में पास करना पड़ता है। विदाउट इंग्लिश में माइग्रेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप एक इन्वेस्टर है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो, करना चाहते हो अमेरिका, कनाडा जैसे कंट्री में, फिर आपको लैंग्वेज का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप विदाउट लैंग्वेज में जा सकते हो। लेकिन जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, जो साधारण फैमिली रहते हैं, तो उनको जाकर नौकरी करना है, तो इंडिया में वो अपना घर बार जितने बेच के, प्रॉपर्टी बेच कर कैनेडा, अमेरिका या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम है। लैंग्वेज इंग्लिश में अच्छा मार्क में क्लियर करना पड़ता है, विदाउट लैंग्वेज में नहीं होता है। तो ये सब लंबा प्रोसीजर है, कभी कभी कनाडा जाने के लिए 4-5 साल लग जाता है, और कभी पहले तो बहुत टाइम लगता था, 5-6 साल, 10 साल लगता था, अभी तो चलो 1-2 साल के अंदर हो जाता है कनाडा एंड अदर कंट्रीज। तो इसलिए लोग जिनको लैंग्वेज नहीं आता है और जिनके पास कम पैसा है, इन्वेस्टमेंट इतना नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास कनाडा, अमेरिका ये जो कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने का कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब लैंग्वेज और पैसा नहीं है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो लोग नया मार्केट देखते हैं, नया कंट्री देखते हैं। उसमें रशिया जो है नया मार्केट है। रशिया में क्या होता है, लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा,
लैंग्वेज आप जाकर सीख सकते हो, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं रहता है, और कम पैसा में आप जाकर सेटल हो सकते हो। और वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो तो कम पैसा में आप बिजनेस कर सकते हो, मतलब 5-6 लाख रुपया में आपका वीज़ा हो जाता है, आप मतलब 8-10 लाख रुपये में आप वहाँ पर जाकर बिजनेस करके सेटल हो सकते हो। और वहाँ का जो रेंट है मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग जो एरिया जो रेंट है, तो आपको मतलब 400-500-600 डॉलर में छोटा 1 BHK मिल जाता है, 2 BHK 2 बेडरूम हॉल $1000 के अंदर मिल जाता है। और कम में भी अगर आउट ऑफ मॉस्को जाओगे तो कम पैसों में मिल जाता है, तो थोड़ा पैसा कम है। और वीज़ा 101% वीज़ा मिलता है, कनाडा अमेरिका जो कंट्री है, वीज़ा सब कुछ करने के बाद अगर कुछ भी चीज़ कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में गलती रहेगा तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा कोई भी बता नहीं सकता है वीज़ा कब रिजेक्ट होगा या वीज़ा मिलेगा। लेकिन रशिया में क्या होता है, वीज़ा आपको 101% वीज़ा मिलता है, वीज़ा का कोई मतलब रिजेक्शन नहीं होगा अगर आप बिजनेस माइग्रेट करना चाहते हो। और बिजनेस माइग्रेट करने के बाद आपको वीज़ा मिल गया, फिर आप वहाँ पहुँचोगे, आप घर ले रेंट में घर ले सकते हो, गाड़ी रशिया में गाड़ी सस्ता है, आप गाड़ी भी ले सकते हो। और आपको वहाँ पर ये जो फ्यूल है पेट्रोल बहुत सस्ता है, गैस बहुत सस्ता है, क्योंकि रशिया के पास खुद का पेट्रोल है गैस है, तो बहुत सस्ता है। तो आप गाड़ी कितना भी गाड़ी चला सकते हैं, इंडिया जैसा महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है। और आपको नौकरी वहाँ जाकर, अगर आपको जॉब करना है तो आपको वहाँ जाकर नौकरी लैंग्वेज सीखना है, 1 साल आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है। रशिया में अगर आपको माइग्रेट करके वहीं पर रहना है, बिजनेस करना है या नौकरी करना है या जो भी कुछ करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लैंग्वेज सीखना है, तो वहाँ जाकर लैंग्वेज सीखना है, लैंग्वेज सीखकर फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो लैंग्वेज सीखोगे फिर आप इधर बिजनेस करिए या आप कुछ भी जॉब करिए, जो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये जो रशिया का माइग्रेशन है एक फैमिली के लिए 10-12 लाख में हो जाता है, पूरा फैमिली जाकर वहाँ पर सेटल होने के लिए। अगर आप बिजनेस करोगे तो वहाँ पर शॉप दुकान ऑफिस लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और वहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि रशिया में क्या होता है, जो पैसा वहाँ पर पैसा आप इजीली बना सकते हो, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा करके जो वहाँ पर प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, कुछ प्रोडक्ट जैसा कि हो गया लकड़ी मतलब वुड हो गया, क्रूड पेट्रोलियम हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, तो कुछ प्रोडक्ट रशिया एक्सपोर्ट करता है, बाकी 99% रशिया इंपोर्ट करता है। तो आप इंडिया या कोई भी कंट्री से फूड प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट, खाना पीना और आपका जो कपड़ा, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ शॉप दुकान डाल सकते हो, और वहाँ कंपटीशन ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियंस वहाँ पर कम है, एशियन लोग कम है, धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं। तो आपको बता दिया 2021-22 में अभी तक 2-3 साल में 40,000 इंडियन वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करके सेटल हो चुके हैं। रशिया में आपको पहला मिलेगा टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट, TRP, टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट मिलेगा। तो कौन सा आपको बिहार में मिलेगा, इधर आप स्टूडेंट वीज़ा में जाइए, पढ़ाई करने को जाओगे तो आपको TRP मिलेगा। सेकंड में आपको मिलेगा अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, बिजनेस करते हो, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस करने के बाद आपको TRP मिलेगा, 1 साल का TRP मिलता है। फिर उसको 2-3 साल आप TRP में रहने के बाद, 3 साल तक रहने के बाद आप PR के लिए, पर्मानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब अप्रोक्सीमेटली अभी 3-4 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर रशिया का सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आपको लैंग्वेज सीखना है, उसको आपको सिटीजनशिप रशिया का मिल जाएगा, तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो पासपोर्ट मिलेगा, रशिया का सिटीजनशिप मिलेगा, तो आपको फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा है तो अलग अलग करीब कितने देशों का आप ट्रैवल कर सकते हो। तो रशिया का जो पासपोर्ट है, रशियन सिटीजन फिलहाल 113 कंट्री को विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हैं, और करीब 16 कंट्री को ई वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली रशिया में करीब 20 कंट्री को रशिया ई वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हैं। तो टोटल 135 कंट्री को रशियन सिटीजन ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब 23 कंट्रीज रशिया सिटीजन 23 कंट्री को ई वीज़ा में ट्रैवल कर सकते। ई वीज़ा जैसा कि आपका आप अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपका वीज़ा आपका ईमेल में आ जाएगा, आपको एम्बेसी जाना नहीं पड़ेगा। जैसा कि ई वीज़ा प्रोवाइड करता है आर्मेनिया, जॉर्जिया, आपका वियतनाम, ऐसा बहुत सारे कंट्री ई वीज़ा इंडिया को प्रोवाइड करते हैं ई वीज़ा। तो रशिया का सिटीजन को 23 कंट्रीज इन द वर्ल्ड ई वीज़ा देते हैं, और 113 कंट्री में 113 देशों को रशियन सिटीजन वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया का जो पासपोर्ट है, इंडियन सिटीजन का पासपोर्ट है,
आप 58 कंट्री को इन द वर्ल्ड 58 कंट्री को आप ट्रेवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा एंड ई वीज़ा में, टोटल 58 कंट्री। रशिया का सिटीजन को 113 प्लस 23 तो टोटल ऑलमोस्ट 135 कंट्री को आप विदाउट वीज़ा या ई वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है। और आपको आपका जितने सारे जो यूरेशियन रीजन, जैसे कि आपका यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, ईयू है, ईयू में 27 कंट्री है, ठीक है, 27 कंट्री को आप जा सकते हो इजीली, कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर जाकर नौकरी कर सकते हो या कहीं पर जाकर बिजनेस कर सकते हो। ये हो गया ईयू में फैसिलिटीज है। ऐसा रशिया के साथ साथ बेलारूस है, ताजिकिस्तान है, ऐसा आर्मेनिया है, बहुत सारा कंट्री है, तो यूरेशियन रीजन कहा जाता है। तो यूरेशियन जितने सारे यूरेशियन कंट्री है उनके वहाँ पर आपको जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास रशिया का पासपोर्ट है, बेलारूस में आप कितने साल भी रह सकते हो विदाउट वीज़ा में, आप एक साल मिनिमम एक साल रह सकते हो जॉर्जिया में, और जितने सारे एक सोवियत कंट्री को आप विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो। जैसे अभी आपका अभी तो यूक्रेन का प्रॉब्लम है, यूक्रेन का भी बैन है, तो आप मोल्डोवा जा सकते हो विदाउट वीज़ा में, आप बेलारूस जा सकते हो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने सारे कंट्री है, तो इन कंट्री को विदाउट वीज़ा में जा सकते हो। चाइना जा सकते हो, जापान जा सकते हो, साउथ कोरिया जा सकते हो, बहुत सारे कंट्री को, नॉर्थ कोरिया जा सकते हो, और बाकी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, कनाडा, ये सब कंट्री को वीज़ा का ज़रूरत है। तो ये वार के वजह से वहाँ वीज़ा बहुत सारे कंट्री बंद किया है वार के वजह से। तो ये एक एडवांटेज है आपके पास, अगर रशिया का पासपोर्ट है, रशिया का सिटीजनशिप है, तो आप 135 कंट्री को ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी कंट्री में बिजनेस करके बच सकते हो। अर्जेंटीना हो गया आपका, इसराइल हो गया, बहुत सारे कंट्री को आप विदाउट वीज़ा में जा सकते हो। जैसे कि आप इंडिया का पासपोर्ट में इसराइल जाने के लिए डिफ़िकल्ट है आपको, आप अर्जेंटीना जाने के लिए डिफ़िकल्ट है, आपको ब्राज़ील जाने के लिए डिफ़िकल्ट है। तो ऑलमोस्ट ऑल द साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज, वियतनाम हो गया, जितने एशियन कंट्रीज, सब कंट्री को जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं रहता है। तो रशियन पासपोर्ट अगर आपके पास रहेगा तो 135 कंट्री इन द वर्ल्ड को आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा, इधर ई वीज़ा में जा सकते हो। जैसे कि यूएई, दुबई हो गया, दुबई जाने के लिए हमको इंडियन पासपोर्ट को अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा। रशियन पासपोर्ट को रशियन लोगों को वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, 30 दिन 30 डेज के लिए जाके वो घूम के आ सकते हैं। तो अगर आपके पास, और रशिया और एक एडवांटेज क्या है, इंडिया का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन को नहीं देता है ड्यूअल वीज़ा, ड्यूअल पासपोर्ट अलाउ नहीं करता। ड्यूअल पासपोर्ट मतलब होता है आप इंडिया का सिटीजन हो, ऑल्सो आप अमेरिका का सिटीजनशिप लेना चाहते हो, तो आपके पास दो पासपोर्ट रहेगा, अमेरिका का भी रहेगा और इंडिया का भी रहेगा। लेकिन इंडियन अमेरिकन गवर्नमेंट अलाउ करता है, अमेरिकन गवर्नमेंट अलाउ करता है उनका सिटीजन को ड्यूअल पासपोर्ट, ड्यूअल सिटीजनशिप लेने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। लेकिन रशिया में ड्यूअल पासपोर्ट सिस्टम है, मतलब आपको रशियन पासपोर्ट मिलने के बाद, आपके पास रशिया का पासपोर्ट मिल गया, रशिया का पासपोर्ट मिलने के बाद, एग्जाम्पल आपने जर्मनी गया, जर्मनी में आपने कुछ साल रहा और आपको जर्मनी में आपको जर्मनी का सिटीजनशिप मिलता है, तो जर्मनी का पासपोर्ट मिल गया, रशिया का भी पासपोर्ट मिल गया, तो आपके पास दो पासपोर्ट रहेगा। वैसे ही आप अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री में, कोई भी कंट्री में जाकर सिटीजनशिप लेते हो, तो रशिया का भी रहेगा, उस कंट्री का भी रहेगा। तो जर्मनी में आप जाओगे तो जर्मनी में करीब 25-30% जो लोग है वो रशियन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे रशियन लोग वहाँ रुक गए थे, तो अभी उनके पास ड्यूअल पासपोर्ट है, मतलब रशिया का भी है और जर्मनी का भी है। तो ऐसे ही अगर आपके पास ड्यूअल पासपोर्ट रहेगा, और आपके पास क्या रहेगा, आपको जैसे ही मिलेगा रशिया का सिटीजनशिप मिलेगा और दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप आपने लिया, जर्मनी का लिया, अमेरिका का ले गया, तो आपको रशिया, इंडिया एज ए इंडियन सिटीजन आप थे, तो इंडिया का ओसीआई कार्ड, ओवरसीज इंडियन ओसीआई कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ये एक वाइट पासपोर्ट जैसा रहता है, वाइट पासपोर्ट जैसे ही, तो वो पासपोर्ट में आप इंडिया में आकर विदाउट वीज़ा में आ सकते हो। इंडिया में आप अनलिमिटेड टाइम रह सकते हो, आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, रह सकते हो, कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं है ओसीआई कार्ड में। लेकिन आप एग्रीकल्चर ज़मीन को नहीं खरीद सकते हो, अगर आपके पास रशिया का पासपोर्ट है या कोई दूसरा कंट्री का पासपोर्ट है। एग्जाम्पल आप रशिया का पासपोर्ट ले लिया और 3-4 साल के बाद आपने अपने जर्मनी या नॉर्वे कोई कंट्री का पासपोर्ट ले लिया, तो आपके पास दो पासपोर्ट हो गया, लेकिन आपने इंडियन ओरिजिन थे, आपका दोनों पासपोर्ट में लिखा जाएगा कि ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, इंडियन ओरिजिन थे, तो आप इंडियन एम्बेसी में आपका पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओसीआई कार्ड, ओवरसीज इंडियन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ओवरसीज इंडियन कार्ड सेम लाइक पासपोर्ट रहेगा लेकिन वाइट कलर रहेगा, तो वो अगर आपके पास है
तो आप एनी टाइम इंडिया आ सकते हो, इंडियन एयरपोर्ट में आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। इंडिया में आकर आप इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, घर खरीद सकते हो, घर खरीद के इंडिया में अनलिमिटेड टाइम रह सकते हो विदाउट वीज़ा, लेकिन एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीद सकते हो। ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी आप इंडिया में एनी टाइम रह सकते हो, एनी टाइम आ सकते हो, जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है रशियन पासपोर्ट आपको मिलने के लिए। अगर आपको कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन में जाने को दिक्कत होता है, वीज़ा नहीं मिलता है, तो आप इजीली रशिया जाइए। रशिया से अगर आपके पास एज है, मतलब आप यंग है, रशिया जाकर आप सिटीजनशिप ले लीजिए, फिर रशिया से इजीली यूरोप में जाकर आप खुद का कुछ बिजनेस करके, जॉब करके वहाँ सेटल होकर दो पासपोर्ट रख लीजिए। रखने के बाद इजीली आप ग्लोबली ट्रैवल कर सकते हो, यूरोप में या रशिया में कहीं पर रहकर आप बिजनेस कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। तो हमारा कंपनी हेल्प करता है माइग्रेशन, माइग्रेट टू रशिया हेल्प करता है। अगर आपको रशिया माइग्रेट करना है, बिजनेस रशिया में करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।